नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं पीएम अपन न्यूज। आज नीतिक चौपाल की चर्चा में शामिल हैं नरेंद्र हल्का उपलाना से, आम आदमी पार्टी के जो कि उपाध्यक्ष हैं हिसार के यूथ विंग के, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके दर्शकों को। तो नरेंद्र जी, जैसे कि बात करें उपलाना की, आप उपलाना से राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, तो किन मुद्दों को लेकर के लोगों में जाते हैं या क्या समस्याएं ऐसी जो उपलाना के अंदर होनी चाहिए, जिनका समाधान राजनीतिक तौर से होना चाहिए? उपलाना हल्का की जहाँ तक बात करते हैं जी, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, जहाँ पर सरकारी बसों की सुविधा नहीं है, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, ये ग्रेड होता था और इसकी वजह से बन जा करते रहते हैं, लेकिन बस नहीं आती, जिसके कारण पढ़ने वाले बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात हमारे स्वास्थ्य को लेकर है, उपलाना हल्के में एक भी ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में अब दौलतपुर गाँव में एक बच्चा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एम्बुलेंस पहुँचने की ना पहुँचने की वजह से उस बच्चे की मृत्यु हो गई। हमारा उपलाना हल्का में शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सुविधाओं को लेकर हम अपने मुद्दे को लेकर चुनाव को तैयार कर रहे हैं। दूसरी बात है, उपलाना हल्का को सभी लोग पिछड़ा हल्का बोलते हैं, मैं उस हल्का को पिछड़ा वाला बोलकर भाई एक संभालने की वजह से ही हमारा हल्का पिछड़ गया है। अनूप दाना जी मंत्री बने, 10 साल तक MLA रहे, उन्होंने उस हल्के के बारे में 1% भी नहीं सोचा। सारी की सारी स्कीमें, योजनाएँ विप्रो में रह गई सारी की सारी। डॉक्टर लेवल पे एक भी जितनी घोषणाएं की थी उनको पूरा नहीं किया। तो पीछे जैसे आपने बात की सड़कों की, बात की बसों की, बात स्वास्थ्य की बात की, तो ये तमाम बातें जो भी इसके पिछड़ने के कारण राजनीति की ही मानते हो जी? इसके पीछे राजनीति की ही है कारण, तो क्योंकि रिजर्व हल्का है, रिजर्व हल्का होने की वजह से जितने भी नेता बनते हैं बनने के बाद 5 साल तक वहाँ कोई संभालने वाला नहीं होता। एक बार वोट लेने के बाद 4-4.5 साल तक अपने AC में आराम से सोते हैं, वहाँ संभालने वाला कोई नहीं आता, ना कुछ को गहलोत देखता है। सड़कें देख लो आप, हर गांव में जाओ सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है गलियों में, इतने मच्छर, बीमारियाँ सब, मतलब कोई संभालने वाला नहीं है। और उसका मेन मुद्दा राजनीति की है, राजनीति ही इसको संभाल नहीं पा रही सिस्टम को। तो आप क्या देखते हैं उपलाने के लिए, क्या देखते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर आती है तो वहाँ क्या संभावनाएं नज़र आएंगी, या फिर इसी तरह से दूसरी पार्टियों के नेता आए टिकट पे चुनाव लड़ा और फिर वही हालात थे? जी जी, देखो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और हमारा MLA आम का हल्का से बनता है, तो हम सबसे पहले वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की ही बात करेंगे। किसी भी मेरी माता भाई बहन को किसी भी मतलब एक मिनट के लिए बस स्टैंड पर जाकर खड़े होने की जरूरत पड़ेगी। बसों की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एजुकेशन को लेकर और मेनली जो समस्या है ना हमारे जितने भी मजदूर वर्ग है वो तड़प रहे हैं लोग वहाँ पर, उनकी फैमिली आईडी की प्रॉब्लम है, किसी राशन कार्ड कटे हुए हैं, लोग राशन मिलना बंद हो गया है, बिजली न आने की वजह से बच्चे बीमार हो गए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। विकलांग बच्चे हैं हमारे, 2-3 हज़ार बच्चे हैं जो हमारे गाँव का विकलांग हैं, उनको कोई सुविधाएँ नहीं मिल रही हैं। सबसे पहले हम यही करेंगे कि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर हम कार्य करेंगे, और सबसे पहले एक जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है ना उसको आगे लाने का काम करेंगे। संगठन की बात करें तो पूरे हरियाणा में जो संगठन बन रहा है पार्टियों का, और आप उपलाना से काम करें तो उपलाना में जो पार्टी की क्या स्थिति है खास? देखो उपलाना में हिसार डिस्ट्रिक्ट में सबसे मजबूत स्थिति उपलाना हल्के में ही है, हमारा संगठन सबसे मजबूत उपलाना हल्के में ही काम कर रहा है, और मैं खुद भी टिकट की दौड़ में हूँ, मैं खुद भी अपने लिए मतलब तैयारी कर रहा हूँ। उपलाना हल्का का संगठन है जो बहुत मजबूत है एज कम्पेयर और जितने दूसरे हल्के हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के उनके अलावा, और मैं तो उपलाना हल्का की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उपलाना ही, मेरी जन्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि उपलाना ही है, तो मैं उपलाना की ही बात करूँगा। बाकी बातें लोग बात की मेरी, और हल्के के बारे में बात करना, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करना, वो तो बात की बातें हैं। मैं सबसे पहले हमें अगर कोई भी पावर मिलती है तो हम उपलाना हल्के के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो कई बार ऐसा होता है टिकट की दौड़ में बहुत सारे लोग आपकी तो पैराशूट से भी आ जाता है, तो ऐसा आ जाए तो क्या कहेंगे? देखो जी, आम आदमी पार्टी हमारे आदमपुर उपचुनाव को देखते हुए इस चीज़ से कुछ सीख चुकी है कि पैराशूट से आने वाले को टिकट काटनी चाहिए। जो आदमी
पीछे से मेहनत करते आ रहे हैं या पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए हैं, दो दो तीन तीन सालों से काम कर रहे हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाए और उन्हीं को आगे लाया जाए। जहाँ तक हमारी सोच है या हम समझ रहे हैं हमारी पार्टी पहले शैली है नीति है, तो पैराशूट से आने वाला को टिकट नहीं मिलेगा हमारी पार्टी। नरेंद्र जी, बात करें टिकट आरतीयों में आपकी, तो आपको टिकट क्यों दे सर, पार्टी आपको टिकट क्यों दे, आपने क्या किया? देखो जी, मेरे को टिकट इसलिए दी जाए क्योंकि जो सामाजिक मुद्दे हैं, पुराना लगे के जो विकास की बातें हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, हम उन मुद्दों को लेकर घर घर में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। दूसरा, अगर देखो टिकट मेरे को इसलिए देनी चाहिए क्योंकि एक मैं यंग हूँ, युवा साथी हूँ, वो जो युवा एक बदलाव ला सकता है। राजनीति में तो 70 साल का भी यंग कहता है अपने आप? नहीं, राजनीति में 70 साल का यंग कहता है, लेकिन जो एक युवा कर सकता है ना, वो 70 साल वाला नहीं कर सकता। और जो आज का ट्रेंड है ना, आजकल युवा साथी ही आगे आके वहाँ सब कुछ कर सकता है। और जहाँ टिकट की बात देखो तो पार्टी को देनी है, जिसको जो उम्मीदवार जीतने वाला होगा ना टिकट उसको देनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। मतलब आपसे भी कोई यंग आ जाए तो आप उसका साथ? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए जी। जो अगर उसको लगता है ना पार्टी का भैया आदमी जितवा सकता है तो उसको टिकट देनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। तो दोस्तों, हमारे साथ में नरेंद्र जी जुड़े हुए हैं, उकलाणा हल्के से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी भी यूथ के, हिसार जिला उपाध्यक्ष हैं यूथ के। तो इनसे परिचर्चा की और भी बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तियों से हम परिचर्चा करते रहते हैं और आपको रूबरू करवाते रहते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम अपनी से नरेंद्र सिंह।